हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। टॉपिक चल रहा है सर हैशटैग नंबर 9 एफआई बीकॉम वाले बच्चे, आप लोग का सेम 2 का ये टॉपिक है एंड एफआई बीबीआई बीएफएम एंड बीएमएस वाले बच्चे, आप लोग का सेम 1 का टॉपिक है रिग्रेशन। बीकॉम का 10 मार्क्स का टॉपिक है एंड रिमेनिंग जो हमारे बच्चे बच गए आप लोग बीबीआई बीएमएस बीएफएम वाले, आप लोग का 8-7 में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है। टाइप 2 चल रहा है, तो अभी तक जितने हम लोग ने 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलरेडी किए, किसके सर? टाइप 2 के। और कौन सा किया हम लोग ने सर? वाई ऑन एक्स किया, इसीलिए ये जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है सर एक्स ऑन वाई, ताकि बच्चों को एक्स ऑन वाई का भी डिफरेंस समझ जाए कि एक्स ऑन वाई आएगा तो क्या फॉर्मूला है, कैसे करना है सर, वाई ऑन एक्स आ जाए तो क्या करना है। तो देखो दोनों कॉन्सेप्ट हमारे सेम होते हैं। वाई ऑन एक्स की जब बात आती है तो सर वाई माइनस वाई बार यहां हो जाता है और एक्स माइनस एक्स बार यहां शिफ्ट हो जाता है, फॉर्मूला चेंज उल्टा। यहां पे समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एन की जगह आपको याद होगा क्या है, समीशन एक्स स्क्वायर, मतलब उल्टा, और ऊपर वाले में तो कोई चेंज नहीं होता है। तो फॉर्मूला हमारे ये सी है, फॉर्मूला सर याद भी हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है कि दोनों में चेंज कर देना है। जब इतना याद रखना भाई, एक्स ऑन वाई तो एक्स बार, एक्स पहले तो एक्स आगे आएगा, वाई पीछे शिफ्ट हो जाएगा, और कॉमन से जब एक्स आगे आएगा तो यहां पर तो एक्स आएगा नहीं, क्लियर है, और यहाँ चेंज आएगा बी वन, क्लियर। चलिए क्वेश्चन सेम वैसे ही है, आपको एक्स एंड वाई दिया होगा तो मैंने बोला एक्स एंड वाई जो दिया है आप लिख लो एक्स एंड वाई, पहले एक्स एंड वाई कॉपी करते हैं। एक्स कितना 9 5, क्वेश्चन पहले कॉपी करो, क्वेश्चन कॉपी कर दो पहले 10 13 16, क्लियर। वाई कॉपी कर लो आप 11 8 14 20 14 20 13 15 22 15 22। सर अगला टेबल क्या बनेगा, डाउट आ रहा है बच्चों को, और कुछ बच्चे ऐसे जो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं तो उनको पता है सर हमारा टेबल क्या बनने वाला है। समीशन एक्स वाई, इट मींस पहला हमारा एक्स वाई आएगा, समीशन एक्स, तो इजिली पहले एक्स वाई कर लेते हैं, एक्स वाई मीन्स एक्स वाई का मल्टीप्लाई 8 5 40 14 into 11 154 300 130, दोनों मल्टीप्लाई करो आप कितना आ रहा है 195352 195352। और इसका सबमिशन आप ले लो, फॉर्मूला देखो और उसी के बेस पर टेबल प्रिपेयर करो आप लोग। तो फॉर्मूला पहला सबमिशन एक्स वाई था तो एक्स वाई हमने लिया सर, और इसका सबमिशन कर लूंगा तो आ जाएगा सबमिशन एक्स वाई, अगर मैं करता हूं सर तो टोटल आ रहा है सर 1270 आ गया सर। माइनस सबमिशन एक्स से ये सर सबमिशन एक्स आपको यहां से मिल जाएगा, सबमिशन एक्स एक्स का टोटल ले लो और एक्स का टोटल सर 79 आया। सबमिशन वाई दिख रहा है, सबमिशन वाई कर लो भाई इसका, और सबमिशन वाई आपको कितना दिख रहा है सर 103 आ गया। नंबर चाहिए तो नंबर यहां पे आप काउंट करके लिख दो 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर आपका 7 मिल गया सर। सबमिशन वाई स्क्वायर दिए, इट मींस अपना नेक्स्ट टेबल आएगा सर वाई स्क्वायर, समझ में आ रहा है? अभी तक आपको क्या था, एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर कर लो। चलिए सर 11 का स्क्वायर सर 121 होता है, 8 का सर 64 होता है, 14 का सर 156 होता है, 20 का सर 400 होता है, 13 का सर 169 होता है, 14 का 196 होगा, 15 का सर 225 होता है, 22 का सर 484 होता है। आप कैलसी से मल्टीप्लाई कर लेना, मुझे 25 तक इजीली याद है तो मैंने 25 तक का स्क्वायर वैसे ही लिख दिया। समीशन वाई स्क्वायर करो, टोटल कर लो इसका समीशन वाई स्क्वायर का 1659 1659, और कैलसी लेके बैठा करो, कैलसी लेके साथ में प्रैक्टिस किया करो तो आप लोग का भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। क्लियर है सर? बिल्कुल। चलिए सब आपने फाइंड आउट किया, वैल्यू पुट अप करते हैं यहाँ पे बी वन में। समीशन एक्स वाई, तो समीशन एक्स वाई आपको मिला सर यहाँ पे
माइनस समीशन एक्स, समीशन एक्स समीशन वाई, तो समीशन एक्स आपको कितना सर 79 मल्टीप्लाई सर 103 अपॉन में नंबर हमारा है 7 अपॉन में समीशन वाई स्क्वायर आपको 1659 माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, समीशन वाई आपको कितना दिख रहा है सर 103 इसका होल स्क्वायर अपॉन में नंबर आपको कितना है सर 7 तो 1270 माइनस 79 मल्टीप्लाई 103 कैलसी पे कर लो आप लोग 79 मल्टीप्लाई 103 डिवाइड बाय 7 कर लो तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं लिख रहा हूं 1162.43 अपॉन में 1659 माइनस 103 का स्क्वायर 103 मल्टीप्लाई 103 डिवाइड बाय 7 कर लो तो फाइनल आंसर जो आएगा वो मैं लिख रहा हूं डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है तो 1515.57 चलिए 1270 माइनस 1162.43 जब माइनस करूंगा सर 107.57 डिवाइड बाय माइनस कर लो दोनों का कितना सर 143.43 और डिवाइड करने के बाद फाइनल आंसर जो हमारा B1 मिल रहा है सर हमको या आपको B1 जो मिला 0.75 क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। आपको चाहिए सर x बार एंड y बार भी चाहिए तो मैं यहां पे निकाल देता हूं x बार एंड y बार। तो x बार का फॉर्मूला सर समीशन x अपॉन में n समीशन y अपॉन में n समीशन x आपको कितना आपको दिख रहा है क्लियर सर 79 अपॉन में 7 एंड 103 अपॉन में 7 चलिए डिवाइड करो कैलसी आपके पास है कैलसी आपके पास है तो कितना आना चाहिए सर 11.29 पहला आपका आ रहा है सेकंड की जब मैं बात करूंगा सर 14.71 ये आपका आंसर आया है एक्स बार वाई बार इक्वेशन आपको दिख रहा है एक्स ऑन वाई का क्या है सर एक्स माइनस सी एक्स बार इसीलिए निकाला जाता है ना ताकि एक्स बार वहां पे वैल्यू पुट अप कर लो एक्स बार कितना सर आप वैल्यू पुट अप करो 11.29 इक्वल टू बी वन हमने फाइंड आउट किया सर 0.75 सेकेंड ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार तो वाई माइनस वाई बार आपको कितना मिला सर 14.71 या आप लिखो x माइनस 11.29 इक्वल टू 0.75 का y में मल्टीप्लाई तो वही आएगा सिर्फ क्लियर है कि नहीं अब सेकंड में नंबर्स में मल्टीप्लाई कर दो 0.75 मल्टीप्लाई 14.71 मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर आया सर 11.0325 क्लियर चलिए x इक्वल टू 0.75y माइनस 11.0325 11.9 यहां पे माइनस है जब ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा सर हमारा प्लस हो जाएगा प्लस 11.29 तो x इक्वल टू 0.75y माइनस 11.0325 प्लस 11.29 करता हूं तो फाइनल आंसर जो हमारा से आया सर 0.2575 ये आपका फाइनल आंसर आया क्लियर है सर बिल्कुल क्लियर है आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। अब देखो इसके आगे डिटेल्स भी दिया है ये प्लस माइनस आप लोग कर लेना क्लियर है अगर लास्ट में एक से दो डिजिट का कुछ ऐसा डिफरेंस आता है तो चलेगा क्योंकि कैलसी यहाँ पे है नहीं तो कैलसी से मुझे पता नहीं चल रहा है कितना कुछ बच्चों का डाउट रहता है सर लास्ट में 75 की जगह 73 आ रहा है 72 आ रहा है समथिंग इस तरीके से आ रहा है तो वो चलेगा उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है नंबर्स नहीं कैंसिल कट होने वाले आपके। अब आगे जो मेन इंपॉर्टेंट है छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कि आगे आपको वाई की वैल्यू भी देके रखी है तो आप सिंपल है पुट वाई इक्वल टू कितना देके रखा है अगर मैं आपसे बात करूं वाई इक्वल टू सर 24 दिया है x on y में y की वैल्यू देते हैं सर y on x में x की वैल्यू आपको गिवन में होती है ये चीज आपको पता है अगर नहीं है तो यही हमारा यहां तक हमारा फाइनल आंसर है बट अगर x की या फिर y की वैल्यू अपने को दिया है तो उसके आगे वैल्यू पुट अप करके आंसर निकाल लेना है दो लाइन का काम है सर इक्वेशन पहले आप कॉपी कर लो तो सर x इक्वल टू 0.75 y प्लस 0.2575
तो मैंने आपसे पूछा 0.75, वाई की वैल्यू हमको दिया है 24 प्लस 0.2575। तो एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हो 0.75 मल्टीप्लाई 24 करता हूं तो मेरा आंसर आएगा सर 18। कितना है सर? 18 प्लस 0.2575। एक्स इक्वल टू प्लस कर दो सर 18.2575, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अगर अभी भी क्रिएट हो रहा है, सर टाइप टू के कॉन्सेप्ट हमारे नहीं क्लियर हो रहे। देखो क्लियर कब होंगे, पहला चीज किसी भी मतलब आपका मैथ्स अच्छा है या फिर नहीं अच्छा है, जैसा भी है, जो बच्चा पहला कंडीशन क्या है कि उनको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जिस बच्चे ने हैशटैग 1 से फॉलो किया है, पहली चीज। सेकंड कंडीशन है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं फॉर्मूले और ये टेबल रटा नहीं रहा हूं, फॉर्मूले याद रहेंगे तो ये टेबल अपने आप आपको समझ में आएगा कि सर ये टेबल किस पॉइंट पे बने हैं। मेन फॉर्मूला है, फॉर्मूला जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक के लिए तब तक तो आपको कॉन्सेप्ट समझेगा नहीं। इसके लिए दो चीज अगर है तो फिर तो मुझे लगता है हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा सर किस तरीके से आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं और क्या हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। और अभी से क्योंकि मैथ्स सेम टू में मैथ्स में बहुत ज्यादा केटी बच्चों को लगती है, इसीलिए इसी मंथ के एंड में जैसे बार बार बोल रहे हो 3 से 4 यूनिट मतलब, और हर एक यूनिट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको करा के दे रहा हूँ कि कहीं से भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन के आ जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। कौन से ईयर का क्वेश्चन सर? अक्टूबर 2017। इसका मतलब है सर केटी वाले बच्चों का, जिसको केटी लग जाता है तो नेक्स्ट सितंबर या फिर अक्टूबर में एग्जाम होगा तो वहां का क्वेश्चंस मैंने पिक किया है, तो उसमें एक्स ऑन वाई का भी आया है। आई होप टाइप टू समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी डाउट है सर एक्स ऑन वाई का कुछ और एग्जांपल्स आप ले लो तो नेक्स्ट हैशटैग में ऐड कर दूंगा मैं। अदरवाइज दो टाइप है, तीन टाइप आपको बताया था, तो ये दो टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं रखता हूं। ये दो टाइप पहले बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो, बीकॉम वाले बच्चे आप लोग का इसी दो में से एक क्वेश्चन बनता है। जो हमारे रिमेनिंग बच्चे बच गए बीबीआई वाले, बीएमएस वाले, बीएफएम वाले बच्चे, आप लोग का भी ये दो टाइप में से एक क्वेश्चन बनेगा। बीकॉम का तो दोनों बनता है बट अगर आप लोग का एक क्वेश्चन बनेगा 8-7 में, बीकॉम वाले बच्चे 5 मार्क्स 5 मार्क्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बनता है। और इसीलिए सेपरेट हर एक क्लास का मीन्स बीकॉम सेम टू आप लोग का सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हूं। और आप लोग देखो हर यूनिट जैसे टाइम सीरीज इंडेक्स नंबर, अभी तक लेक्चर नहीं हुआ तो टाइम सीरीज के जस्ट बाद में इंडेक्स नंबर ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपका कोरिलेशन रिग्रेशन साथ में चलेगा, तो कोरिलेशन रिग्रेशन आपको एक साथ में दिखेंगे इस तरीके से मतलब, और इंटरेस्ट एनुइटी एक साथ में चलता है तो सबको साथ में रखूंगा ताकि हर एक बच्चों को सेपरेट समझ में आ जाए। और ये यूनिट होने के बाद यूनिट 1 एंड 2 जो हमारा रिमेनिंग पेंडिंग थोड़ा सा बचा हुआ उसको पहले कंप्लीट करेंगे और इसी मंथ के एंड में दोनों यूनिट कंप्लीट भी हो जाएगा आपका, तो ऑलमोस्ट आपका 4 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे इसी मंथ के एंड में। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना है और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक बीकॉम वाले, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम एंड बैफ वाले बच्चों को शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू मैथ्स एंड अकाउंट्स के कंप्लीट बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।